तो मूवी के स्टार्ट में हम ग्रेटा एवंस नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की को देखते हैं जो यूके में एक जॉब के लिए आई थी, और वो जॉब क्या था, एक छोटे बच्चे का केयर टेक करना, जो आगे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ग्रेटा एवंस उस घर में पहुंचती है और वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि इस घर का सप्लाई का इंतज़ाम करते थे हर वीक में यहाँ पर आके। तो ग्रेटा के मुलाकात होती है उस घर के मालिक और उसकी वाइफ से, जो लोग उसे इस घर पे रहने वाले उसके बच्चे के साथ परिचय कराते हैं जिसका एक ग्रेटा ख्याल रखने वाली थी। और जब वो उस लड़के से मिलते हैं तो वो अंदर से हिल जाती है क्योंकि वो लड़का कोई लड़का नहीं, मतलब कि वो कोई असली लड़का नहीं, वो एक पुतला था। हाँ, वो लोग उस पुतले को अपना बेटा बोल रहे थे। ये देखकर ग्रेटा तो अंदर से हिल चुकी थी लेकिन वो इस बात को बाहर नहीं आने दे रही थी, और वो उस लड़के के साथ अजीब तरह से हाथ भी मिलाती है और वो इस बात पर यकीन तो नहीं करती थी लेकिन उन लोगों के सामने ये दिखाना नहीं चाहती थी। तो इसके लिए वो एक नॉर्मल सी चेहरा लेके उनसे बातें करती है और वो लोग बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कुछ रूल्स मानने पड़ेगी, जो रूल्स में था कि उनको उस लड़के को सुबह सुबह बेड से उठाना है और उसके बाद उसके कपड़े बदलना है, मतलब कि उस पुतले को, और उसके बाद यहाँ पर जोर जोर से गाना गाना है क्योंकि उसके लड़के को जोर जोर से गाना गाना पसंद था, और यहाँ पर जो खाना बचती है वो उसको फेंकना नहीं है बल्कि उनको फ्रीज़र में रखना है क्योंकि वेस्टेज उनको पसंद नहीं था। और वो ये भी बताती है कि उनके बच्चे को ज़ोर ज़ोर आवाज़ में स्टोरी भी सुनानी होगी क्योंकि ज़ोर ज़ोर आवाज़ में ही उनके बच्चे को पसंद थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है कि यहाँ पर तो कोई बच्चा है ही नहीं और वो लोग शायद ही पागल हो गए। लेकिन ग्रेटा जब देखती है कि उनके जूते यहाँ पर है नहीं तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये शायद मेरे बेटे का काम होगा, वो ऐसी शरारत करती रहती है। ग्रेटा को और एक अजीब रूल भी बताया जाता है, उसके घर के बाहर जो ट्रैप्स है उनको वो सेट करनी होगी क्योंकि चूहे इस घर में ना घुस सके। ग्रेटा को ये रूल भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है और ये सारे बातें बोलकर वो लोग इस घर से निकल जाते हैं उनकी गंतव्य स्थल में। तो इसके बाद ग्रेटा रिलैक्स हो जाती है, वो इस घर में कोई रूल्स भी फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे या फिर शायद वो लोग कुछ अजीब है। और ग्रेटा टाइम पास करने के लिए उसके बहन को फ़ोन लगाती है और उसके साथ बातें करती रहती है। ग्रेटा की बहन पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में, जो उसका पहले का संबंध था वो टूट चुका था क्योंकि वो लड़का बहुत ही अजीब था और उसके साथ बहुत ही हार्ड बिहेव करता था। ग्रेटा के बहन बोलती है कि वो मेरे को अभी पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे बारे में हमेशा सवाल करते रहते हैं। उसके बाद ग्रेटा रिलैक्स कर रही थी क्योंकि उसको कुछ काम तो करना नहीं था आलसी कहीं का, और वो देखती है कि घर के डोर्स जो है वो अपना जगह बदल रही थी। ये बात देख के उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगती है कि ये क्या हो रहा है। ग्रेटा उसके बाद वो सप्लायर मैन से बातें करती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सप्लायर मैन बोलता है कि इस घर के जो लड़का था वो आज से करीब 20 साल पहले मारा जा चुका है और वो आग में जल के मरा था, और उसके बाद से ही वो लोग इस डाल को अपना बेटा मानते हैं। यहाँ पर सप्लायर और ग्रेटा के बीच में एक अच्छी संबंध बनने की तैयारी चल रही थी क्योंकि लौंडे को और चाहिए क्या था, एक खूबसूरत लड़की मिल गई जो घर के काम करती है तो उसको अपने प्यार के जल में फंसा लेगी और यहाँ पर राज करते रहेगी क्योंकि घर पे कोई आने वाला तो है नहीं। अपना ड्रेस चूज करती है और शावर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब होने लगती है क्योंकि ग्रेटा के जो ड्रेस है और उसकी जो ज्वेलरी है वो कोई वहाँ से अजीब तरह से गायब करने लगते हैं। और ग्रेटा की जब शावर ख़त्म होती है तो वो बाहर आती है और देखती है कि उसके ड्रेस और ज्वेलरी वहाँ पर थी नहीं।
और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो समझती है कि इस घर में शायद उसके अलावा कोई और है, लेकिन उस बकलोल को तो पता भी नहीं थी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगी थी। उसके बाद वो बकलोल यहाँ पर एक अजीब सी रूम देखती है और वो जब इसके अंदर जाती है तो कोई इस दरवाज़े को बंद कर देता है। और इसी वक्त वो सप्लायर मैन यहाँ पर आता है और ग्रेटा को आवाज़ लगाती है और डोर बेल बजाने लगती है, लेकिन ग्रेटा आएगी कैसे, सी तो फंस चुकी है इस घर में। और वो बकलोल साला बाहर खड़ा होकर बेल बजाने लगती है, लेकिन ग्रेटा कोई जवाब दे नहीं सकती थी क्योंकि वो घर में बंद थी। वो सप्लायर मैन आ जाता है। उसके बाद हम ग्रेटा को देखते हैं जो कि उस रूम में बंद थी। उसको लगता है कि यहाँ पर एक अजीब साया है और वो यहाँ पर डरने लगती है, लेकिन उसी वक्त वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो गिरकर बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उस जगह के जो दरवाजे हैं वो अपने आप ही खुलने लगती है। उस घर से बाहर आने के बाद ग्रेटा उस सप्लायर मैन को फ़ोन करती है और इस सारे बातों के बारे में उसको बताती है और वो लोग इस बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने लगती है। वो सप्लायर मैन बोलता है कि रुक, मैं तुम्हें यहाँ पर चलने वाली कुछ कथाएँ बताता हूँ इस घर के बारे में। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो लोग सोचते हैं इस घर में कोई काली साया है और बहुत ही दिनों से यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें होने लग। जो लड़का 20 साल पहले मर गया था वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करता था इस घर के। जब शराब के नशे में था तब वो मुझे यानी कि सप्लायर को बताया था उनके लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और ये बातें सुनकर ग्रेटा समझ जाती है कि उनके बेटे के जो सॉल है वो यहाँ पर उसके साथ इतना सब कुछ कर रही थी। और उसके जब अगले दिन ग्रेटा उठती है तो देखती है उसके रूम के बाहर उसकी खोई हुई जूतियाँ थी, और जब वो उन जूतियों को देख रही थी तभी वो देखती है कि वो डॉल जो था वो उस रूम की बेड पे अजीब तरह से बैठा हुआ था और उसके सामने वो लाल कलर का पर्ची था जिन पर इस घर के सारे रूल्स लिखे हुए थे। वो समझ जाती है कि ये शायद उस सोल का ही काम है। ये सारा चीज़ें देखकर ग्रेटा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो उसको एक रूम में कैद कर लेती है। वो डर के मारे कांप रही थी। में एक कॉल आती है, जब वो उस फ़ोन को उठाती है तब बाहर से आवाज़ आती है उस लड़के की। वो डॉल ग्रेटा से कह रही थी कि आओ बाहर आओ, के बाद हम अच्छे से बिहेव करेंगे। और जब वो बाहर देखती है तब उसको पता लगता है कि बाहर उस डॉल ने एक सैंडविच बना के उसके लिए छोड़ दिया था, और तभी वो श्योर हो जाती है कि इस डॉल में उनके बेटे का आत्मा है ही है। और आप ग्रेटा समझ जाती है कि साली को इतनी आसानी से मुक्ति तो मिलने वाली थी नहीं, तो इसके लिए वो उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम उस घर के बाहर के रिच आदमी और उनके बीवी का सीन था, जो लोग बाहर घूमने गए थे वो यहाँ पर एक रिवर में अपने आप को डूबो के मार देते हैं। लेकिन ये बात हमको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी तो हम मूवी को आगे देखते रहे। मरने से पहले वो लोग एक लेटर अपने बेटे के लिए और एक लेटर उस लड़की के लिए लिख के छोड़ के चले गए, जिन लेटर्स में उन्होंने अजीब तरह की बातें लिखी थी कि ग्रेटा से तुम्हारी है, मतलब के उस डॉल के। वो सप्लाई मैन ग्रेटा के पास उन लेटर्स को लेके आती है जो उन लोगों ने उसके पास भेजी थी, लेकिन ग्रेटा इन सबको अनदेखा कर देती है। ग्रेटा इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो इस घर से भी बाहर निकलने के लिए डरती थी। वो उसके फ्रेंड को बताती है कि वो डॉल अपनी जगह बदलता रहता है, कि मतलब उसके बेटा जो था उस डॉल में वो हिलता जुलता है और चलता भी है।
और वो उसको ये भी बताते हैं कि उनको बेटा बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है और वो किसी के सामने भी नहीं आना चाहता है। वो के एब्सेंस में ही वो उसकी बातें बताती है और दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करते हैं। वो सप्लायर मैन को एक प्रूफ दिखाने के लिए एक रूम में जाती है और उस डॉल को रख के डोर्स क्लोज कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो डोर को ओपन करता है तो डॉल ने अपनी जगह बदल ली थी। ग्रेटा का फ्रेंड जब वो ये सब देखता है तो वो सच जाता है कि वो शायद एक बुरी आत्मा होगी। मैं तुमको उनके बेटे के एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आज से 20 साल पहले उनके बेटे के जब 7th स्टैंडर्ड था, मतलब कि उनके बेटे के जब 7 ईयर का बर्थडे था, तब उसके एक दोस्त जो थी वो अजीब तरह से गायब हो चुकी थी और उस लड़की की जो डेड बॉडी है वो जंगल से मिली थी जिसको बुरी तरह से मारा गया था। इसके बाद पुलिस जब उनके बेटे से सवालत करने के लिए आने वाली थी तभी उनके घर में आग लग गई और उनका बेटा मारा गया था। उसके बाद ग्रेटा अपना स्टोरी भी उसको बताने लगती है। वो बताती है कि मेरा एक चुतिया फैन था जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि मैं भी उस वक्त बकलोल ही था, तो इसके वजह से मुझे उसके इरादे समझ नहीं आई थी और मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लव में था, लेकिन वो मेरा फ़ायदा उठाता था और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता था। ये सब बातें सुनकर उस सप्लायर मैन को उस पर दया आ जाती है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि ग्रेटा जिस फ्रेंड के बारे में बता रही थी, मतलब कि उसके प्यार के बारे में, वो इस घर पर आ गया था और वो लड़का उसकी जगह जहाँ पर ग्रेटा थी उसका पता उसके फैमिली मेम्बर्सों से लगा लिए थे और वो यहाँ पर उसके भी टिकट लाई थी कि उसके साथ इसको लेकर चला जाएगा, लेकिन उस बकलोल को क्या पता था कि इस घर में चल के आ रहा है। और ग्रेटा जब उस डल से मदद मांगती है तो वो डल तो साला बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया और उस लड़के को मारने पीटने लग गया, लेकिन उस बकलोल को क्या पता था कि इस घर में चल के आ रहा था। वो लड़की जब उस डॉल से मदद मांगती है तो उसी रात को इस लड़के के मुंह पर मरे हुए चूहे का खून गिरने लगता है और इस घर के दीवार पे लिखी हुई थी कि गेट आउट साले, इधर से निकल। और उस साले को लगता है कि ये सब उस ग्रेटा के काम है और वो यहाँ पर उसको धमकाने लगते हैं कि उस डॉल को मैं तोड़ दूँगा। जनता भी नहीं है कि वो क्या करने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है। और वो जब इस डल को मारने का धमकी देते हैं तो ग्रेटा अंदर से हिल जाते हैं कि साला बोल क्या रहा है। उसके बाद वो सप्लायर मैन भी आ जाता है और उसको ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वो ये बात सुनती नहीं और वो डॉल तोड़ देता है और तभी इस घर का शीशा टूटता है, बुरे आदमी का गला कट जाता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है और हम समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जो इस घर का मालिक का बेटा है और उसका नाम था ग्राहम्स। उसके बाद हम समझ जाते हैं कि वो असल में मरा नहीं है क्योंकि जब उस लड़के के खून की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब इस घर का मालिक उनके बेटे को बचाने के लिए उसको इस घर में कैद कर लिया था और 20 साल से वो लड़का इसी घर के अंदर था कि 20 साल पहले जो मर्डर हुई थी वो इसी लड़के ने की थी और पुलिस वालों के हाथ से बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको छुपाया था। और हम ये बात जानते हैं कि उनका बेटा जो था वो पहले से ही जिंदा था और इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो इसी लड़के की चाल थी। ग्रेटा के जो फ्रेंड है उसको मारने के बाद उस लड़का, मतलब ग्राहम्स ने ग्रेटा और उसके जो सप्लायर फ्रेंड है उसको ढूंढने के लिए चला जाता है, मतलब कि जब वो मर रहा था और उसका जो सप्लायर फ्रेंड है वो यहाँ से भाग चुका था और जब वो उनका पीछा कर रहा था वो लोग एक घर में बंद हो जाते हैं जो चारों ओर से सील था और उसी वक्त वो लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है और उनको एक गुप्त रास्ता मिल जाता है यहाँ से निकलने का।
जिस रास्ता एक रूम में जाता है जहाँ पर वो लड़का रहता था, मतलब के आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इस रूम में उसके कपड़े मिलते हैं जो कि ग्रहांस ने ही चुराया था। वो इन कपड़ों को एक डॉल में लपेट के उसका मजा लेती थी कि ये डॉल भी वही है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और इतने में ही उसको उस लेटर भी मिल जाता है जिस पे लिखा हुआ था कि ग्रेटा को यहाँ पे ग्रहांस के लिए ही लाया गया था। ग्रहांस यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसके दोस्त को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसका हालात ख़राब हो जाती है। ग्रेटा को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाती है और वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी आवाज़ आती है कि ग्रेटा घर के अंदर आ जा, वरना मैं तेरे दोस्त को एक ऐसी मौत दूंगा जिसकी तूने सोची ना होगी। और ये बात सुन के ग्रेटा घर में वापस आ जाती है और वो इसके उसके हाथ पे एक स्क्रू ड्राइवर लाया था जिससे वो उसको मारने वाली थी। तब ग्रेटा अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, तुम सो जाओ। ये बात सुन के ग्रहांस भी साला सो जाता है और तभी ग्रेटा उसके स्क्रू ड्राइवर्स को लेके उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ग्रेटा उसको हमला करती है लेकिन वो उस हमले को रोक देती है और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध छूट जाती है। और यहाँ से किसी तरह से ग्रेटा और उसके दोस्त एक गाड़ी में बैठ के यहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद उस ग्रहांस को दिखाया जाता है जो कि ज़िंदा था और वो उस डॉल को जोड़ रहा था।